आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक एक चीज बताऊंगा कि ट्रांसप्लांट से लेके अब तक कैसी मेरी जर्नी रही, क्या क्या मैंने फेस करा उस दौरान, कितना कॉस्ट आया, कहाँ से ट्रांसप्लांट कराया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाली है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी को अपने 5 महीने का रिजल्ट कंडीशन जो भी है मेरी वो आपको शो करने वाला हूँ। काफी लोगों को इंतजार था कि सौरभ भाई आपका रिजल्ट कैसा है, 5 महीने का अच्छे से दिखाओ। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक एक चीज बताऊंगा कि ट्रांसप्लांट से लेके अब तक कैसी मेरी जर्नी रही, क्या क्या मैंने फेस करा उस दौरान, कितना कॉस्ट आया, कहाँ से ट्रांसप्लांट कराया, क्या क्या प्रिकॉशंस बरते, जो कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप ट्रांसप्लांटेशन के लिए प्लान कर रहे हो या करवाने वाले हो। तो सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं आप सभी को अपना रिजल्ट दिखाऊं, पहले आप लोग देख सकते हैं कि मेरी ट्रांसप्लांटेशन से पहले की कंडीशन कैसी थी। आपको फोटोज में दिख रहा होगा मेरा फ्रंटल हेयर लॉस काफी हो चुका था, फ्रंट की मेरी हेयरलाइन लगभग पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और बाल काफी पीछे चले गए थे, जिसके बाद मतलब काफी टेंशन होने लगी और काफी मेडिसिन ट्राई करी, काफी डॉक्टर्स पे कंसल्ट करा, लेकिन मेडिसिन वगैरह काफी चीजें मिनोक्सिडिल तक यूज करा, लेकिन एक इंस्टेंट रिजल्ट मिलता था हल्का फुल्का जो ना के बराबर ही था, उससे भी कुछ फर्क पड़ा नहीं। और फिर फाइनली मैंने सोचा कि ट्रांसप्लांटेशन करा लेना चाहिए, अगर मैं ट्रांसप्लांटेशन नहीं कराता तो मेरी फ्रंटल हेयर लाइन अब तक और ज्यादा रिसीड हो चुकी होती और मुझे आने वाले टाइम पे उतने ही ज्यादा ग्राफ रिक्वायर्ड होते। और अगर मैं बात करूं मेरी एज की, तो मेरी एज है अभी 24वां चल रहा है मुझे, मैं 24 साल का हूं। काफी लोगों ने मुझे ये बोला कि ये काफी यंग है, अभी ट्रांसप्लांटेशन मत करवा। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा और उन्होंने मेरे को बोला आप करवा सकते हैं और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था इसके अलावा, क्योंकि मेरा हेयर लॉस होता ही जा रहा था। फाइनली मैंने काफी क्लिनिक विजिट करे दिल्ली में, कहीं पर ग्राफ 10 रुपए, कहीं पर 40 रुपए, कहीं पर 50 रुपए ग्राफ्स मुझे बताए गए पर ग्राफ कॉस्टिंग। बेसिकली जो मेरा फर्स्ट कंसर्न था वो तो हेयर लाइन को लेके, कि मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मतलब कोई देख के ना बोले भाई ट्रांसप्लांट कराया है, फर्जी लग रहा है पूरा। मतलब एक नेचुरल लुक आना चाहिए, जैसे मेरा पहले था सेम वैसी लुक मुझे चाहिए था। सो फाइनली मैंने दिल्ली में एक क्लिनिक चूज किया जो मुझे काफी अच्छा लगा और जहां पर मेरा कंसल्टेशन काफी अच्छा रहा और वहां के रिजल्ट्स मैंने देखे तो काफी अच्छे रिजल्ट्स थे। तो फाइनली मैंने ट्रांसप्लांटेशन उस क्लिनिक से करवाया। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, 1500 ग्राफ मुझे लगाए गए थे। अगर मैं बात करूं क्लिनिक की, तो क्लिनिक का नाम है हेयरमेड क्लिनिक, जो कि दिल्ली में है। और अगर आप लोग दिल्ली से हैं तो आप लोग जानते हो कि दिल्ली में बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट के क्लिनिक है। सो मैंने लगभग काफी क्लिनिक विजिट करे, सो फाइनली मैंने ये क्लिनिक अपने लिए चूज करा क्योंकि यहाँ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे और ये क्लिनिक मुझे काफी अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छा ट्रांसप्लांटेशन करके दे रहा था। और वीडियो में मैं आगे आपको कॉस्टिंग का भी बताऊंगा कि मेरी एग्जैक्ट कॉस्टिंग जो बैठी थी वो कितनी बैठी थी ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूडिंग मेडिसिन। सो आपने देखा कि मेरा किस तरीके से ट्रांसप्लांटेशन हुआ, एक दिन में ट्रांसप्लांटेशन मेरा कंप्लीट हो गया था। और मेरा जो ट्रांसप्लांटेशन हुआ है वो FUE टेक्निक से हुआ है। ट्रांसप्लांटेशन जो प्रोसीजर था वो काफी ज्यादा पेनलेस था। अभी हाल ही में मेरे एक दोस्त ने सेम उसी क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन कराया जहाँ से मैंने कराया था, तो उसने भी बताया वीडियो में कि पेन तो ना के बराबर ही होता है, पता भी नहीं चलता। बस ये है कि लंबी सर्जरी है, टाइम रिक्वायर्ड होता है, 5 से 6 घंटे 7 घंटे सर्जरी चलती है, तो पेशेंस चाहिए बस, बाकी पेन वेन कुछ नहीं होता है, तो पेन को आप दिमाग से निकाल दीजिए। सो इस तरीके से मेरी सर्जरी हुई है। आप लोगों ने देखा कि मेरी सर्जरी बहुत अच्छे से परफॉर्म हुई थी और काफी बेहतरीन हेयरलाइन मुझे दी गई। और मेन बात टेंपल क्रिएशन, सो आपने मेरी बिफोर की कंडीशन देख ली और देखा कि मेरा ट्रांसप्लांटेशन कैसा हुआ। सो फाइनली अब बढ़ते हैं रिजल्ट की तरफ। अब आप लोग देखेंगे मेरा रिजल्ट। सो आप लोग मेरा रिजल्ट देख सकते हो, काफी अच्छी तरीके से मेरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ है और ये मेरी सिर्फ अभी 5 महीने की कंडीशन है, जिसमें 50% ही रिजल्ट आता है तो भी मेरा रिजल्ट इतना बेहतरीन लग रहा है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंटल एरिया के बारे में। मेरा फ्रंटल एरिया काफी अच्छी तरीके से बनाया गया था और मुझे जो हेयर लाइन दी गई थी वो मेरे फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से काफी अच्छी दी गई थी, जो मेरे फेस पे एकदम सूट कर रही थी। और अभी आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5 महीने हुए हैं और मेरी हेयरलाइन परफेक्ट आ चुकी है। और हेयरलाइन के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरी हेयरलाइन में सिंगल फॉलिकल हेयर यूज हुए हैं। सिंगल फॉलिकल का यूज करने का सबसे मेन कारण ये होता है कि ताकि आपका हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो एकदम नेचुरल लगे। और जो मोटे बाल होते हैं वो फ्रंट में कभी नहीं लगाए जाते, और अगर आप मोटे बाल फ्रंट में लगाते हैं तो उससे लुक थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है। और सबसे मेन कंसर्न मेरा यही था कि मुझे नेचुरल लुक चाहिए था, एक आर्टिफिशियल बिल्कुल नहीं चाहिए था। और मैंने जितने भी क्लिनिक विजिट करे उनके रिजल्ट अगर थे भी तो वो थोड़ा आर्टिफिशियल लग रहे थे, तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई। तो फाइनली मैंने ये क्लिनिक चुना, क्योंकि आप देखते हैं जो आपका फ्रंटल लुक होता है वो पूरा हेयर लाइन पर डिपेंड करता है कि कैसा लगेगा।
तो मैं अपनी हेयर लाइन के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, और मुझे अब लगता है कि मैंने एकदम सही डिसीजन लिया और मेरी हेयर लाइन आप लोग देख सकते हैं काफ़ी परफेक्ट आई है। सो ये तो थी मेरी फ्रंटल हेयर लाइन की बात। अब बढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्पल क्रिएशन, जो बहुत कम क्लिनिक इंडिया में परफॉर्म कर पाते हैं। हेयर लाइन के बाद जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था वो था टेम्पल्स, कि मेरे टेम्पल्स भी थोड़े रिसीड हो चुके थे और मुझे एक अच्छे टेम्पल्स चाहिए थे जो एक परफेक्ट एंगल में हो और मेरी फ्रंटल हेयर लाइन के साथ मैच हो जाए। सो मैक्सिमम क्लिनिक में जब मैंने विजिट किया तो वहाँ पर टेम्पल क्रिएशन की बात पहले तो करी नहीं, और जब मैंने बोला तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आपको टेम्पल क्रिएशन नहीं हो सकता। या तो इसके पीछे रीज़न एक ही हो सकता है, या तो उन्हें टेम्पल क्रिएशन करना आता नहीं होगा, या वो शायद इंटरेस्टेड ना हो टेम्पल क्रिएशन में, लेकिन मुझे टेम्पल चाहिए थे क्योंकि टेम्पल रिसीड हो चुके थे। और अभी आप देख सकते हो कि मेरा टेम्पल क्रिएशन काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ था और उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं मेरे डोनर एरिया की तरफ, और आप लोग मेरा डोनर एरिया देख सकते हैं बिल्कुल, अभी 2 नंबर की मशीन लगवाता हूँ मैं, 1 की भी लगवाता हूँ कभी 2 की, बिल्कुल पता नहीं लगता है कि यहाँ से मेरे ग्राफ्ट निकाले गए हैं, और काफ़ी अच्छी तरीके से मेरा डोनर एरिया पूरा कवर हो चुका है। डोनर एरिया आपका 1 से 2 महीने में पूरी तरीके से कवर हो जाता है, और डोनर एरिया मेरा पूरी तरीके से हील हो चुका है, और इन फ्यूचर अगर मुझे ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती भी है, वैसे तो पड़ेगी नहीं, लेकिन तो भी मेरा डोनर एरिया काफी हेल्दी है। सो गाइस, अभी आप लोगों ने मेरा रिजल्ट देखा, आप लोगों को मेरा रिजल्ट काफी अच्छा लग रहा है, और उम्मीद करता हूं कि मेरा रिजल्ट ऐसे ही बेहतरीन आते रहे। अभी सिर्फ 5 महीने हुए हैं, अभी डेंसिटी और ज्यादा बढ़ेगी, अभी देखा जाए 60% रिजल्ट आ चुका है, 40% डेंसिटी और बढ़ना अभी बाकी है। और अब बात करते हैं मेडिसिंस की, काफ़ी लोग मेडिसिंस के लिए पूछ रहे हैं कि मेडिसिंस क्या ली, कितने टाइम तक ली, और मेडिसिंस की कॉस्टिंग वगैरह क्या पड़ी। सो मैं आपको बता दूँ, मेडिसिन जो मैंने ली स्टार्टिंग में जब मेरा ट्रांसप्लांटेशन कंप्लीट हुआ, तो 1 हफ्ते की जो जनरल मेडिसिंस होती है एंटीबायोटिक्स वगैरह डोनर एरिया हील करने के लिए, मैंने वही ली। उसके बाद आफ्टर 15 डेज़ मुझे और मेडिसिंस लिखी गई थी, लेकिन मैंने वो मेडिसिंस नहीं ली, मैंने उसमें से सिर्फ मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो 2 टाइम यूज़ कर रहा हूँ मैं सुबह शाम। अब उसकी डोजेस भी मैं धीरे धीरे कम करते जाऊँगा टाइम के साथ साथ, और 6-7 महीने के अंदर मैं मिनोक्सिडिल एकदम यूज़ करना बंद कर दूंगा। सो मिनोक्सिडिल के अलावा मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। इनकेस अगर मेरा हेयरफॉल वगैरह हुआ या मुझे लगा कि हाँ मुझे मेडिसिन लेनी चाहिए, तो शायद मैं फिनेक्स ले लूँ उस टाइम पे, लेकिन अब तक मैंने फिनेक्स 1 बार नहीं ली है, और अभी ना मैं लेना प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि बालों की क्वालिटी अच्छी है, अब बाल झड़ नहीं रहे हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कोई मतलब बनता है अभी मेडिसिन लेने का, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। सो अब बात करते हैं कॉस्टिंग की, तो एग्जैक्ट जो मेरी कॉस्टिंग पड़ी इंक्लूडिंग मेडिसिन, मैंने आपको बताया मैंने सिर्फ स्टार्टिंग के 1 हफ्ते की मेडिसिन ली थी, इंक्लूडिंग मेडिसिन लगा के जो मेरी कॉस्टिंग पड़ी है वो पड़ी थी 35,000। मैंने अपना ट्रांसप्लांट 20 रुपीज़ पर ग्राफ के हिसाब से कराया है हेयरमेड क्लिनिक से, जो कि दिल्ली में है, नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप क्लिनिक को कॉन्टैक्ट करके ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हैं तो आप नीचे नंबर दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी मुझे अपना सपोर्ट देते रहिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियोज़ लाता रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।